गैंग व्हाट्सअप, आई होप कि आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली एक इंस्टाग्राम के ऊपर रील अपलोड की थी, जहाँ पर मैंने बोला था कि आज से नो मोर ब्लॉग्स, नो मोर वीडियोस। द रीज़न व्हाई आई डिड इज बिकॉज आई लॉस्ट माय ड्रोन अगेन। फर्स्ट वाला ड्रोन हमारा एक वाटरफॉल के एरिया में चला गया, और ये सेकेंड वाला जो ड्रोन था तो वो घोसेकर में मैं शूट के लिए गया था, तो वहाँ पर वो ड्रोन क्रैश हो गया, जैसे कि आप लोग ये वीडियोस देख सकते हो। ये वीडियो अभी यहाँ पर मैं जब शूट ले रहा था ना, तो वो अचानक से झाड़ियों के अंदर क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद मैं वो सीधा नीचे गिरा। एक्चुअली देखो, झाड़ों के अंदर गिरने के बाद एटलीस्ट वो अटक तो जाता, तो बचता तो सही, लेकिन वो बहुत गहरी खाई में गिरने की वजह से वो टूट गया, और हम लोगों ने उसे रिकवर भी किया, बट इन अ डेड कंडीशन। उसके फ्रंट फुट जो थे वो भी टूट गए थे, और उसका गिम्बल जो था तो वो भी टूट गया था। यूट्यूब का व्लॉग्स नहीं करना है, बिल्कुल किसी चीज़ में नहीं जाना है, अभी ऐसी मेरी हालत हो गई थी। उसके बाद में जो लोगों ने मैसेजेस किए हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, सबका सिर्फ एक ही कहना था कि जस्ट डोंट क्विट, डोंट क्विट। और इतने रेप्यूटेटेड, इतने मेरे क्लोज कुछ मुझे जान, मैं किसी कुछ जानता भी नहीं हूँ, उन सारे लोगों से मुझे सिर्फ एक ही वर्ड सुनने के लिए मिला कि जस्ट डोंट क्विट। इसी चीज़ को लेके मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस से व्लॉग्स चालू करूँ, एंड यूट्यूब को मैं अभी इतने सारे लोगों के होप्स तो मैं नहीं तोड़ सकता बिल्कुल भी, तो हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे ज़रूर। अभी कल एक ऐसा हुआ कि मुझे एक अननोन पार्सल आया हुआ है, पता नहीं किसका है क्या है, लेकिन ये एक पार्सल है। दिस पार्सल कम्स विथ एन लेटर। तो ये पार्सल लेके अपन जाते हैं हॉल में, बिकॉज यहाँ पर अच्छी खासी लाइट्स नहीं आ रही है। अनबॉक्स, और ये पार्सल कम्स विथ एन लेटर, मैं आप लोगों को वो पढ़ के दिखा देता हूँ। पार्सल है ले दो। पार्सल? क्या मालूम, ये एक छोटा सा लेटर है इसके साथ में, ये, और ये मेरे हाथ से अभी लाते वक्त फट गया, और इसके पीछे लिखा हुआ है आई फील यू फॉर एवर। 2 साल पहले भी मुझे एक ऐसे ही अननोन एक पार्सल आया था, जिसके अंदर वो कारवान था। मैं आप लोगों को कारवान दिखा देता हूँ, ये है वो कारवान जो वो वाले पार्सल में आया था। उसका मैंने एक फ़ोटो भी लिया था, मतलब वीडियो भी मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने वो मतलब अपलोड नहीं किया था। लेकिन वो वाले गिफ्ट को आए हुए मतलब अभी 2-2.5 साल हो गए, उस टाइमिंग पर कोई किसी लेटर के साथ में नहीं था। हैवी लग रहा है, मालूम नहीं। क्या मालूम क्या, तो अच्छी दिवाले गिफ्ट है। 2 साल पहले बंद करवाना था अंदर पार्सल। और एक बॉक्स था, अब इसके अंदर बॉक्स में बॉक्स हुआ, तो ड्रोन है। क्या बोलते हैं, इसमें ड्रोन है। ड्रोन से ना आगे ये सिम ड्रोन है। खामलाज चाकावार ड्रोन है इसमें। ओह यो, ड्रोन है इसमें। बॉक्स में ड्रोन आए, ड्रोन आज जल्दी देखने। पूरा ड्रोन आया था इसमें, ओरिजिनल ड्रोन है। बैटरीज बैक और DJI का Air 2।
पुण्य भेजे नहीं तो किसका नाम भी उनको भी आएगा ना इसके ऊपर। जिन्हें पुण्य भेजे उसे थैंक यू बोल। जिस ड्रोन है तो मेरा एड्रेस किसको मालूम बचेगा इतना प्रॉपर? वो मेन है ना। किस कुछ नहीं मालूम मेरा एड्रेस। Still, it's really, अभी मैं बहुत टाइम के बाद मैंने अपने सारे दोस्तों को मिला, मैं भाइयों की तरफ गया, मैंने सबको ड्रोन के बारे में बताया। इतनी खुशी मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, इतनी खुशी। अभी तक मेरे घर वाले शौक से बाहर नहीं है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आई एम नॉट इवन दैट मच फेमस कि कोई मेरे लिए इतना बड़ा इतना महंगा गिफ्ट कोई मेरे लिए भेजे, मैं ऐसा तो हो ही नहीं। बस काम है ठीक है, लेकिन इतना मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, मेरे को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जिस किसी ने भी ये ड्रोन भेजा होगा ना, मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं समझ भी नहीं पा रहा कि कैसे उसके दिल के अंदर क्या बातें चल रही होगी, मेरे लिए क्या होगा, कैसे इतना बड़ा डिसीजन लिया होगा। इट्स रियली 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 डिफिकल्ट टू गेस। बहुत इट रिमेंस स्पीचलेस। ये बहुत महंगी चीज़ है। लेकिन स्टिल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मत करो इतना मत करो यार। मैं बहुत ये बहुत हो रहा है, लेकिन इमेजिन करो अगर मैं अपनी ये 3 साल की मेहनत ऐसे ही क्विट कर देता तो कितना ज़्यादा, मतलब इतने होप्स लोगों ने मुझसे रखे हुए हैं। ये बात भी मुझे अभी इसी वक्त में पता चल रही है, लेकिन मैं हर एक के होप्स को और इसके दिल को ज़रूर संभालने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आई विल गिव माई बेस्ट और बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फ्रॉम माई फैमिली। दे आर स्टिल इन शॉक, सो वो बात नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि हमारी तरफ से भी थैंक यू बोल देना, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं मेरे लिए ये चीज़ करने के लिए। और दैट्स इट, मैं थैंक यू इट जस्ट रन वर्ड ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि हाउ मच इट मीन्स टू मी। तो बस थैंक यू कहना चाहूँगा। स्टिल लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी एंड माई होल फैमिली। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। बस थैंक यू। आई होप ये वीडियो और मेरे जो भी इमोशंस थे मैंने कैप्चर किए हैं एज़ पर योर विश। सेकेंड लेटर के अंदर आपने जो भी बातें बोली है तो वो मैंने याद रखी हुई है, सो ज़रूर मैं उन सारी चीज़ों का ख्याल रखूँगा, आई प्रोमिस। और बस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस यू हैव गिवन मी अ न्यू लाइफ, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपने और आप सब ने इस वीडियो को ज़रूर इन्जॉय किया होगा, और इन्जॉय किया होगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, रिंग द बेल आइकॉन। आपने बोला है कि लास्ट में आपको उसी जोश के साथ में इन आउट्रो देना है, तो ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ट्राई करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो देख के आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया होगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब टू चैनल, रिंग द बेल आइकॉन, और सपोर्ट के लिए शेयर ज़रूर करना। तो दैट्स इट, मिलते ही गाइस ऐसे एक ताज़ा ब्लॉग के साथ में, विच इट सो सून। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।